प्रेरितों के कामों का वर्णन। प्रेरितों के कामों का वर्णन लूका रचित सुसमाचार से आगे का वर्णन है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये बताना है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय सुसमाचार को यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक कैसे फैलाया। यह मसीही आंदोलन का वर्णन है जो यहूदी लोगों के बीच में आरंभ हुआ और बढ़कर संपूर्ण विश्व के लोगों का विश्वास बन गया। लेखक इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके पाठकों को यह निश्चय हो जाए कि मसीही लोग रोमी साम्राज्य के लिए एक विद्रोही राजनैतिक शक्ति नहीं थे और मसीही विश्वास यहूदी धर्म की पूर्ति करता था। प्रेरितों के काम की पुस्तक को तीन भागों में बांटा जा सकता है जो निरंतर बढ़ते क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया और कलीसियाएं स्थापित की गईं। पहला, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में मसीही आंदोलन का आरंभ। दूसरा, पलस्तीन के अन्य भागों में इसका प्रसार। और तीसरा, भूमध्य सागर के देशों में रोम तक इसका प्रसार। प्रेरितों के काम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता। वह पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में एकत्रित विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरता है और इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं के दौरान कलीसिया और उसके अगुओं का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेरितों के काम में दिए गए कई उपदेशों में प्रारंभिक मसीही संदेश का सार प्रस्तुत किया गया है और इसमें वर्णित घटनाएं विश्वासियों के जीवन में और कलीसिया की सहभागिता में इस संदेश की सामर्थ्य को प्रकट करती हैं। प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थूमा और बर्तुलमय और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों,
अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसतुस है, दूसरा मत्तियाह को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अध्याय 2। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यद्वाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इसराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को
परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। वो भविष्यद्वक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अध्याय 3। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए।
ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इसराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। अध्याय 4। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिय और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और जोहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इसराइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें।
तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देखकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। अध्याय 5। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले,
तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलियेल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। अध्याय 6। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुध नहीं ली जाती। तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें।
परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से, जो लिबिर्तिनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने, जो सभा में बैठे थे, उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। अध्याय 7। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और आठवें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ।
वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इसराइली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? ये बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इसराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजें, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इसराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेख के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया।
परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे चल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। अध्याय 8। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया।
इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अध्याय 9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया
और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वो भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए।
सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। अध्याय 10। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थीं चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। तीन बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगत करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है,
परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुर्नेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको, जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। अध्याय 11। फिर प्रेरितों और भाइयों ने, जो यहूदिया में थे, सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे, तूने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया? तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाय और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया, और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए।
उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्ग दूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फेराव का दान दिया है। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तर्सुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। अध्याय 12। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली से होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई
तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वो कीड़े पड़कर मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो योहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। अध्याय 13। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन, जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेने, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। योहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास में करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और योहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इसराइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया।
वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सप्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर
अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे इनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। अध्याय 14। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगो, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अत्तलिया में आए, और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ
बहुत दिन तक रहे। अध्याय 15। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यत वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजें। उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, इसलिए हमने यहूदा और सीलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए।
यहूदा और सीलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं। परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा, परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने योहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। अध्याय 16। फिर वो दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को, जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से, जो इकट्ठी हुई थीं, बातें करने लगे। लुधिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी।
बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। अध्याय 17। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और तीन सप्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिलिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए।
पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आएं। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। अध्याय 18। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिंथुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वो उनके यहां गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वो तितुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब
आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिंथवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वो इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वो वहां से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब जेलों को स्थिर करता फिरा। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाड़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। अध्याय 19। जब अपुल्लोस कुरिंथुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ जेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन दिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था।
यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और स्किक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याचक के सात पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं और कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमोथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरितिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अरतिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उसने सभा को विदा किया। अध्याय 20।
जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वो वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी खात में लगे, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने एफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी में था कि यदि हो सके तो वो पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। उसने मिलेतुस से एफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं
जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। अध्याय 21। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पत्रा में। वहां एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सबने, स्त्रियों और बालकों समेत, हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमियस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ 1 दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7ों में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहां ले आए कि हम उसके यहां टिकें। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहां 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गईं, उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने ये निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया
के शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इसराइलियो, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहां तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रिफुमिस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वो तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वो ठीक सच्चाई ना जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4,000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा। अध्याय 22। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। वे ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तर्सुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि 2 पहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा,
हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुत हो गया और उसको देखा कि वो मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू ये क्या करता है, ये तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हां। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि ये रोमी है और मैंने उसे बांधा है डर गया। दूसरे दिन उसने ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर दोष क्यों लगाते हैं उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अध्याय 23। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालें और गढ़ में ले जाएं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाड़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ
तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, ये उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि ये जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डालें, तब तक न खाएंगे और न पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। तब उसने दो सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात पीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अतः जैसी सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। अध्याय 24। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख देना नहीं चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को, जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं,
तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना आराधनालयों में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हां, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। क्या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया? इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें ये कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लुसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। अध्याय 25। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में ये वर चाहा कि वो उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वो कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता,
परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरिनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की ये रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें। जब तक मुद्दा लह को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले, अतः जब वे यहां इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दोहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहां हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। अध्याय 26। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वो सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे बारहों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है तो तुम्हारे यहां ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला
और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न डाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यत वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यत वक्ताओं का विश्वास करता है? हां, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। अध्याय 27। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियस नामक ऑगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैता में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे।
वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे जहां से लसिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि, न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और थक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों, ढाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। थाह लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने ये कहके सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाड़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए
तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गल ही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का ये विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। अध्याय 28। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियोसकूरी था। सुरकूसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिण हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहां 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष ना था, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। ये नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इसराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहां इकट्ठे हुए और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ
और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।